बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन के लिए साल 2023 कुछ खास नहीं रहा। आदि पुरुष और गणपत जैसी बिग बजट फिल्में बुरी तरह से पिट गई। वहीं अब 2024 में वो कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कृति सनन के कुछ अपकमिंग मूवीज के बारे में जो 2024 से 2025 तक रिलीज कर दी जाएंगी। अगर आप कृति सनन के डायरेक्ट फैन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज तो लग रहा है पूरे दिल्ली में आग लगा देगी तू। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी दिल्ली में आग लगा दूं? नहीं नहीं सिफरा, वो ऐसी मजाक कर रही है। ओ जोक। फर्स्ट नंबर पर है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, एक रोबोटिक रोम कॉम ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर है अमित जोशी और आराधना शाह, जिनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म होने वाली है। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सनन, धर्मेंद्र और डिंपल कबाड़िया लीड रोल्स में हैं। फिल्म में शाहिद कपूर एक रोबो स्पेशलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और कृति सनन एक रोबो का रोल प्ले कर रही हैं। फिल्म में हमें एक इंसान और रोबोट के बीच का प्यार दिखाया जाएगा जो एक इम्पॉसिबल लव स्टोरी की ओर लेके जाएगी। और ये फिल्म 9 फरवरी 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा वैलेंटाइंस डे के मौके पर थिएटर्स में। और ये 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म एक्स मशीना और सीरियल बहू हमारी रजनीकांत से इंस्पायर्ड होगी। इस फिल्म को मेडिक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के बने तले बनाया गया है। सेकंड नंबर पर है द क्रू, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजेश कृष्णन। फिल्म में कृति सनन, करीना कपूर, तब्बू और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में होंगे। वहीं कपिल शर्मा स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। इस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा, रोहित छेत्री, शाश्वत चटर्जी और पूजा भामरा सपोर्टिंग रोल्स में होंगे। और इस फिल्म का बैकड्रॉप एयरलाइन इंडस्ट्री में सेट है। इस फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स और अनिल कपूर प्रोडक्शंस के बने तले बनाया गया है। और ये फिल्म 22 मार्च 2024 को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पर है दो बत्ती, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं शशांक चतुर्वेदी और राइटर हैं कनिका ढिल्लो। फिल्म में कृति सनन, काजोल, तन्वी आजमी और शाहिर शेख लीड रोल में होंगे। फिल्म में शाहिर शेख कृति सनन के अपोजिट नजर आएंगे, जिनकी यह बॉलीवुड डेब्यू फिल्म होगी। इस फिल्म को कृति सनन के प्रोडक्शन हाउस ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स और कथा पिक्चर्स के बने तले बनाया गया है। और एज ए प्रोड्यूसर कृति सनन की ये पहली फिल्म होने वाली है। और ये फिल्म 2024 में डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा। बेबी, हमारा पुनर्जन्म हुआ है, टुकड़े टुकड़े कर दिए। कल मेरी बहन से शादी कर रहे हो, आज मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो? फोर्थ नंबर पर है हाउसफुल 5, इंडियन सिनेमा की बिग बजट कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं तरुण मनसुखानी, जिन्होंने दोस्ताना जैसी फिल्म बना चुके हैं। फिल्म में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख एक बार फिर से लीड रोल में होंगे। इन दोनों के अलावा फिल्म में जॉन अब्राहम, बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन होंगे। फीमेल लीड में दीपिका और कृति सनन नजर आएंगी। बाकी के लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े, नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस और कृति खरबंदा नजर आ सकती हैं। वहीं चंकी पांडे, बोमन ईरानी, रंजीत और जॉनी लीवर सपोर्टिंग रोल्स में नजर आ सकते हैं। पहले फिल्म दिवाली 2024 के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन हैवी वीएफएक्स की डिमांड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये फिल्म अब 6 जून 2025 को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडेवाला ने कंफर्म कर दिया कि हाउसफुल 5 में हाउसफुल फ्रेंचाइज के लगभग सारे एक्टर्स नजर आएंगे। इस फिल्म से साजिद नाडेवाला अपना हाउसफुल यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं और इस फिल्म की स्टोरी भी लिखी है साजिद नाडेवाला ने, जिन्होंने हाउसफुल फ्रेंचाइज को हाउसफुल यूनिवर्स में कन्वर्ट किया है। और इस फिल्म को 350 करोड़ के बजट में नाडेवाला ग्रैंड्स एंटरटेनमेंट के बने तले बनाया जाएगा। 2023 में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 देने के बाद सनी देओल ने 350 करोड़ के बजट में बन रही फिल्म हाउसफुल 5 के स्टार कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। और इस फिल्म की शूटिंग समर 2024 में स्टार्ट होगी। फिफ्थ नंबर पर है कृति सनन की अनटाइटल फिल्म फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनीष मल्होत्रा और इस फिल्म से मनीष मल्होत्रा एज डायरेक्टर बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में कृति सनन लीड रोल में होंगी। इस फिल्म में कृति सनन लेजेंडरी एक्ट्रेस मीना कुमारी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी। ये एक तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट होगा। इस फिल्म को भूषण कुमार टी सीरीज के बने तले प्रोड्यूस करेंगे और मीना कुमारी की बायोपिक अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है। अगर आपको पता ना हो तो बता दें कि मीना कुमारी जब 4 साल की थी तब से ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था और वो फेस, अधूरी कहानी, पूजा और एक ही भूल जैसी फिल्मों में अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। सिक्स्थ नंबर पर है किल बिल हिंदी रेमिक और 2003 में एक क्लासिक हिट हॉलीवुड फिल्म। किल बिल का हिंदी एडेप्टेशन होने वाला है जिसमें उमा थर्मन लीड रोल में थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, जो इस फिल्म को हिंदी में अडेप्ट करेंगे। फिल्म में कृति सनन लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में कृति सनन उमा थर्मन वाला रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो एक ब्राइड का रोल है। फिल्म में कृति सनन नेवर सीन एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जो जबरदस्त एक्शन करेंगे। फिलहाल ये फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है। सेवंथ नंबर पर है भेड़िया 2, एक मॉन्स्टर कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर है अमर कौशिक और राइटर है नीरेन भट्ट। और ये 2022 में आई फिल्म भेड़िया का सीक्वल होने वाला है। इस फिल्म में वरुण धवन, कृति सनन और अभिषेक बनर्जी लीड रोल में नजर आए थे और सीक्वल में भी लगभग यही स्टार कास्ट होने वाली है। हालांकि भेड़िया फिल्म में कृति सनन भेड़िया बन के पहाड़ से कूद जाती है।
और ये नहीं कंफर्म हो पाता है कि उनकी डेथ हुई है या नहीं हुई है। ऐसे में हो सकता है कि सीक्वल में कृति सनन की वापसी हो जाए और ये फिल्म सितंबर 2025 में रिलीज कर दिया जाएगा। 8th नंबर पर है आर एस स्टेडियम 2 यानी कि रहना है तेरे दिल में 2 और 2001 में आई फिल्म आर एस स्टेडियम यानी कि रहना है तेरे दिल में फिल्म का सीक्वल होने वाला है। और लगभग 20 सालों के बाद इस फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा है। पहले मेकर्स ओरिजिनल कास्ट के साथ इस फिल्म को बना रहे थे लेकिन बात नहीं बन पाई। वहीं अब एक फ्रेश स्टोरी के साथ बनाने की सोच रहे हैं जिसमें विक्की कौशल और कृति सनन लीड रोल में नजर आ सकते हैं। वहीं सेकंड लीड की अभी कास्टिंग चल रही है और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं रवि देवर। इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट के बनाने वाली बनाया जाएगा। 9th नंबर पर है लुका छुपी 2 एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उत्तेकर। फिल्म में एक बार फिर से कार्तिक आर्यन और कृति सनन लीड रोल में होंगे। फिल्म में हमें कंटिन्यू स्टोरी दिखाई जाएगी पार्ट 1 के बाद से। फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश सुजन ने कंफर्म कर दिया कि इस फिल्म के सीक्वल पे काम किया जा रहा है। वहीं हेरा फेरी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए मेकर्स कृति सनन, दिशा पटानी और रश्मिका मंदाना को कास्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा कृति सनन की 2 फिल्में होल्ड पे हैं जो शायद फ्यूचर में बन सकती हैं, विशाल भारद्वाज की छुरियां और राहुल ढोलकिया की अनटाइटल थ्रिलर फिल्म। सो ऐसी थी बॉलीवुड की लेडी अक्षय कुमार कृति सनन की अपकमिंग मूवीज की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।